मेरा ईमान इस बात का मुतकाजी नहीं है, मेरा कुरान इसका तकाजा नहीं करता। हमारा हक बनता है कि हम पहले जिंदा के दरवाजे को खटखटाएं, जिसके दरवाजे को पहले इंसान ने खटखटाया। पहली दुआ याद है क्या थी? आदम अलैहिस्सलाम की, रब्बना ज़लमना अन्फुसना। नूह अलैहिस्सलाम रब्बी रब्बी कर रहे हैं, रब्बी अन्नी मफलूबुन फंतसे। हजरत सारे अंबिया ने उस दर को खटखटाया, आवाज दी। और तीसरी चीज कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम और सिफात ऐसे हैं कि जिनमें किसी को शरीक नहीं किया जा सकता। मसलन ये कहना कि अल्लाह जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं, नहीं, लैसा कमिथले ही शै। जिंदगी जो मुझे दी है वो मुस्तार है, वो देने वाला अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा जिंदा है कि जिसको अपनी मौत का न डर है न गम है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, मौत के सिलसिले तो दूर हैं, उसको तो ऊंग और नींद भी नहीं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज हजरात, अगर ये मुआमला हुआ तो ठीक, नहीं अगर शिर्क हो गया तो लुकमान अपने बेटे को कहते हैं, या बुनैश ला तुशरिक बिल्ला इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम। दुनिया में बड़े बड़े जालिम आए, लेकिन सबसे बड़ा जुल्म ये होगा कि तू लुकमान का बेटा होके अपने रब के साथ किसी और को शरीक ठहरा। और अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि जिसने शिर्क किया अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया, और ये बहुत बुरा हजरात ठिकाना है। तो हमें इस रमजानुल मुबारक के मुबारक माह में, मुबारक महीने में अपने अमल को बाबरकत करना चाहिए, ईमान को बाबरकत करना चाहिए, और अपने अकीदे को साफ करना चाहिए, शिरक की दलदलों से निकालना चाहिए। किसी को मुशरक कहना बड़ा आसान है, लेकिन इसका रुख अपनी तरफ मोड़ के अपने अमलों में से शिर्क, रिया, शिर्क असगर, शिर्क अकबर, अल्लाह के साथ शिराकत, हिस्सेदारियां, और वो कि जो मक्खी का पर सारी दुनिया के मिलके ना बना सकें, वो तुझे दो अढ़ाई शेर का बच्चा क्या देंगे। फिर तू किसी और के दर पे जाए तो फिर शायद तेरी अकल उस हुदहुद से भी गई गुजरी है कि जिसे ये समझ आ गई तुझे ना आ सकी। तो हजरात, हमें शिरक के मामले में बहुत मोहतात होना होगा, अमल करते हुए, क़याम करते हुए, कुरान पढ़ते हुए, नमाज पढ़ते हुए, अल्लाह की इबादत करते हुए, मामलात करते हुए, हज करते हुए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए। ऐसा ना हो कि लब्बैक कहते हुए दिल में ख्याल आए कि लोग मुझे कहेंगे, मैं इसलिए कहूं कि माशाल्लाह कितना यार मस्त होके लगा हुआ है। नहीं, मैं नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए, रिया के लिए नहीं, एक अल्लाह के लिए खालिसतन, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। तो दुनिया में मांगता है ना तेरी फितरत है, बीवी मिले खालिस मिले, इज्जत मिले खालिस मिले, दूध मिले खालिस मिले, चीज मिले खालिस मिले। तेरा रब भी तेरे से खालिस ईमान की डिमांड करता है, उसमें शराकत ना ले। तू दोधी को ताने देता है तो इसी तरह दूध वाले को बोलता है, तू अखबारात में इश्तिहारात देता है तो मिलावट का दुख रोता है। तो तेरे पैगंबर ने भी कहा है, मन गशना फलैसा मिन्ना, जिसने दीन में, ईमान में हमारे साथ मिलावट की वो हमारी उम्मत में से नहीं है। ये सिर्फ सूजी में या मिर्चों में मिलावट के लिए हदीस नहीं है हजरात, ये ईमान के अंदर, इस्लाम के अंदर, मुआमलात के अंदर, लेन देन के अंदर भी अगर किसी ने मामूली सी शिरक की मिलावट की तो अल्लाह को ये गवारा नहीं होगा। मेरी अल्लाह से भी इल्तिजा है और दुआ है, और आप भाइयों से भी, अल्लाह से ये है कि अल्लाह हमको तौफीक दे दे कि हम शिरक के मुआमलात को समझ सकें, आमीन, और फिर उनसे बच सकें, आमीन। अल्लाह हमारे मुदाफ़ात पैदा कर दे, आमीन। मेरे भाइयों, पोलियो के तो कतरे पिला देते हैं घर घर जाके लोग, आप भी बच्चों के मुंह खोल लेते हैं उन्हें खैर खास समझ के। अगर कभी दर पे कोई वहाबी चल के आए, गली मोहल्ले में आए और आपको तौहीद के खालिस कतरे इसलिए पिलाए कि कहीं आपके ऊपर जो है ये शिरक के वायरस का हमला ना हो जाए, तो प्लीज अपने कानों की जो है थोड़ी सी खिड़कियां खोल लिया कीजिए। इसे मत समझिए कि ये आपका दुश्मन है, ये आपका खैरखा है। ये चंद पिलाए हुए कतरे, ये दिए हुए लफ्ज देखने में वक्ती तौर पर बज़ाहिर बड़े कड़वे, उन कतरों की तरह के जिनको बच्चे पी के अपना मुंह फीका सा करते हैं और माथे पे तेवर लाते हैं, शायद तेरे भी माथे पे तेवर आए। लेकिन याद रख, ये जहर भी कभी करता है कारे तरियाकी, ये जहर नहीं है, ये तेरे लिए खैर खाही है, मोहब्बत का पैगाम है। अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक दे। मेरी मोहब्बत का
मोहब्बत जवाब दे मेरी मोहब्बत का, मोहब्बत जवाब दे मनफी रवैये छोड़, मुस्बत जवाब दे। अकूल कौली हाज़ा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।